शांति। बाबा ने हमको बोला है कि हमको रावण और माया को जीतना है, मगर रावण और माया को जीतना है तो एक दूसरा भी एनिमी है, हमारा दुश्मन है, उसको पहले जीतना है। वो कौन है? हमारा दूसरा एनिमी रावण तो को हमको जीतना है, मगर दूसरा एनिमी है जो रावण को जीतना है तो पहले कौन सा एनिमी को हमको, कौन रावण है ना, तो उसका भाई का नाम क्या था? कुंभकर्ण। अवेकनिंग, सोते हो तो क्या जीतेंगे, सोतेंगे तो लूज करेंगे। तो हमको ब्राह्मण को सारी दुनिया में अभी निंद्रा का बहुत बड़ा एडिक्शन है, सीवियर एडिक्शन, क्योंकि धीरे 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 हम जास्ती जास्ती सोने लगे। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछती हूँ, सत्युग में जो टेक्सस का है वो चुप रहे, जो सत्युग में कितना घंटा हम सोएंगे, सत्युग में हम कितने घंटे सोएंगे बोलो? ऐसे दिखाओ, 2 3 4। आप तो टेक्सस की है इसकी आपको मालूम है। तो सत्युग में हम 0 घंटा सोएंगे, अवेकनिंग, वी विल बी अवेकन्ड सदा के लिए, 1 घंटा भी नहीं सोएंगे, 2 घंटा रेस्ट करेंगे, मगर सोएंगे कभी नहीं, नहीं सत्युग में सोएंगे, नहीं त्रेता युग में सोएंगे। तो हम कभी सत्युग में जाने वाले हैं? कभी अभी जाएंगे ना, अभी जो नहीं सोएंगे, निंद्रा जीत बनेंगे तो दूसरे जन्म में ही जाना है ना सत्युग में, और जन्म लेना है, दूसरे जन्म में जाना है ना सत्युग में, तो निंद्रा जीत कब बनना है? अब। अभी। तो ये ख्याल में रखना है सभी ब्राह्मण को। तो 2 जात की निंद्रा है, एक तो अज्ञान की निंद्रा, तो उसमें तो बाबा ने हमको जगा दिया है, हम हाँ। तो अवेकंड है, हमको मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, ये शरीर तो बस थोड़ा दिन के लिए ही है, छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा ने तो हमको अवेकन कर दिया है, बट जो है ना कुंभकर्ण, वो हम नहीं जीतेंगे ना, तो आलस भी नहीं जा, आलस माना क्या, नींद करो नींद करो, सोए रो सो, तो आलस नहीं। जो 1 ही घंटा नहीं सोएंगे, और अभी कितना घंटा सोते हैं ब्रह्मा बाबा मम्मा, कितने घंटे सोए मालूम है? 3 4, 2 3 घंटे, इससे जास्ती कभी नहीं। तो हमको इस बात पर अटेंशन, हम हमेशा बोलते हैं देह अभिमानी, यू नो आलस जीतना है, ये करना है ये करना है, तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और प्लान भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, मगर यहाँ से कौन बैठा है कि जो पुरुषार्थ करता है कि मैं निंद्रा जीत बनूंगा और बनूंगी, कौन पुरुषार्थ करते हैं? कितना घंटे आप सोते हो? 4 घंटे, बहुत अच्छा, तो पुरुषार्थ अच्छा करते हो। जो 4 घंटा और से जास्ती सोते हैं, वो कोई भी पुरुषार्थ नहीं करते, और गारंटी है कि देह ही अभिमानी और आलस हम नहीं जीत सकेंगे, गारंटी। ओके, सो अभी सत्युग देती इसका मालूम है। ओके, अभी चलो द्वापर युग में, द्वापर युग में हम कितना घंटा सोएंगे? गिर जाएंगे। कितना घंटा सोएंगे द्वापर युग में? द्वापर युग तो रजो युगी है, कली युग नहीं है,
हम सतयुग में त्रेता से आए द्वापर युग में, तो हम 8 घंटा सोएंगे, 2 घंटा बाई साइंस 2 घंटा सोएंगे हम, तो हम क्या करेंगे अरे दिन? मैं अब बताऊंगी। ओके चलो आयन एज में आए, तो आयन एज में कितना घंटा सोएंगे? कोई कोई 11 घंटा सोते हैं स्टूडेंट्स, 11 बजे 12 बजे उठते हैं सैटरडे संडे को, बहुत निंद्रा निंद्रा बस सख्त, क्योंकि हमको ऐसे लगता है कि जास्ती सोएंगे तो ब्यूटीफुल होंगे स्किन के लिए बाल के लिए, मगर साइंस क्या कहता है कि जितना जास्ती सोएंगे उतनी चमड़ी रिंकल हो जाएंगी, बूढ़े हो जाएंगे, और जितना जास्ती सोएंगे उतना जो इंटेलिजेंस है ना वो कम होती जाएंगी, क्योंकि हमारे लिए तो बाबा ने हमको बोला है कितना घंटा सोना है, और बाबा साकार मूल्य में बहुत कहते हैं कि बच्चे निंद्राजीत बनो निंद्राजीत बनो, तो हमको फर्स्ट निंद्राजीत बनना है, पीछे रावण जीत, पीछे माया जीत। हम रावण और माया को बहुत अटेंशन देते, जो निंद्राजीत होने का हम अटेंशन नहीं देते। तो आयन एज में लोग कितना घंटा सोते हैं बात ही मत पूछो, 11 घंटा से 8 घंटा से कोई भी, और डॉक्टर सभी जब तक कॉपर एज खत्म हुआ तब तक ऑल द डॉक्टर्स ऑल द साइकोलॉजिस्ट कभी निंद्रा की चर्चा की नहीं, चर्चा ही नहीं। क्या है नींद? नींद तो अच्छी बात है, नहीं तो उसकी चर्चा क्यों करनी? किसी ने बोला ही नहीं कि इतना घंटा सोना है ये करना है, नहीं किसी ने नहीं बोला है, रिसर्च में बिल्कुल बंद, नो रिसर्च। आयन एज में शुरुआत में बहुत डॉक्टर्स सोचने लगे, पेशेंट को अच्छा लगे पैसा लो तो 8 घंटा सोना है। बहुत ब्राह्मण्स हमारे पास आते कि मैं क्लास में नहीं आ सकती हूँ, मैंने बोला क्यों, तो बोलता है कि मुझे डॉक्टर ने बोला है आपको मिनिमम 8 से 9 घंटा सोना है, तो मैं नहीं आ सकती हूँ। ये बहाना नहीं है, डॉक्टर बोलता है, मुझे ये बोलते हैं। तो यहाँ के डॉक्टर तो क्या बोलते हैं, एक तो बोलेगा 8 घंटा सो 9 घंटा सो तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। बाहर के लोग के लिए ओके है, इसको 8 घंटा सोना 9 घंटा सोना, सोएंगे तो पाप कर्म तो नहीं करेंगे वो तो अच्छा, पर हमारे लिए तो ये बात ही नहीं है। हमको तो पाप कर्म तो छूटा है, मगर हमको तो बहुत काम करना है, बाबा को मदद करना है। तो ये बात है कि डॉक्टर से बोलते हैं, और जो आप 8 घंटा नहीं सोएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा? सोने की गोली। यस, सबसे पैसे वाली इंडस्ट्री है तो जो स्लीप मेडिकेशन बनाती है। इंडिया में तो मैंने कितना ब्राह्मीण को देखा है और नॉन ब्राह्मीण को, सभी स्लीपिंग रात को पिल्स लेते हैं कि बहुत सेवा है बहुत परेशानी है ये करना, सभी के पास। अमेरिका में भी आप जाके बोलो कि नींद दिया तो ओ बिचारी को नींद नहीं आते तो मुझे भी दे देंगे, मैं 2 घंटा सोती तो मुझे तो सोला ही देंगे सारी दिन, मर जाऊंगी मैं, क्योंकि मैं 2-3 घंटा से जास्ती नहीं सोती हूँ, कभी कभी तो सोती ही नहीं हूँ बचपन से, ऐसा नहीं कि मैं निंद्रा जीत बनी हूँ, जीन्स में है, पेरेंट्स भी नहीं सोते थे, भाई बहन भी सोते नहीं थे घर में, सोने की आदत ही नहीं थी, 2-3 घंटा सो बहुत हो गया। अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो कहते इनसोम्निया मुझे डिजीज बना देंगे कि तो बीमार आदमी, तो उसको बीमारी है नहीं सोने की बीमारी है, और क्या देंगे मुझे स्लीपिंग पिल। ये तो बकवास है, वो नो एक्सक्यूज, डॉक्टर एक्सपर्ट सिटिंग हियर, नोबडी थिंक्स इज डिफरेंट, ऑन द कॉन्ट्ररी व्हाट शी इज सेइंग उल्टा
There is no research done in sleep except I am involved in research of sleep. And a person who is authority, expert in sleep, has done experiment of sleep. What experiment? 60 people who are mechanical operator, crane operator, very intense involved, उसको बुलाते हैं रात को, दिन में एक आदमी उसका सिक्योरिटी के दिन में सो ना जाए, रात को एक्सपेरिमेंट इंस्टीट्यूशन में आना है, उसको गेम खिलाते, पार्टी करते, म्यूजिक, जलसा, सोने का मन ही नहीं होता है। दूसरे दिन बोलता है जाओ काम पर, क्रेन ऑपरेटर, वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क, कुछ डिफरेंस नहीं। डॉक्टर्स को मैं इन्वॉल्व थी, दिन को नहीं सोना तो नौकरी करते तो कैसे सो, रात को वहां जाके सोना है। तो मेरी माँ ने बोला मैं मेरी बच्ची को नहीं अकेली भेजूंगी, उसके साथ मेरा भाई जाएगा, क्योंकि रात को इंस्टीट्यूशन में कुछ भी हो सकता है, मैं लड़की हूं ना। तो दूसरे दिन एग्जाम, फाइनल एग्जाम, सारे 10-15 दिन नहीं सोया रात को, और एग्जाम में देखा कैसा है, फर्स्ट क्लास मेरा रिजल्ट। मैं इन्वॉल्व थी ये रिसर्च में। तो ये सभी बातें बोलते हैं ना डॉक्टर, वो बातें बनाते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेसर मेडिकल स्कूल में टीचिंग करती हूँ, चैतन्य यूनिवर्सिटी में। तो मैं टीचर हूँ, डॉक्टर्स कौन बनाते हैं? टीचर, प्रोफेसर ना, हम सिखाते हैं। एक भी लेक्चर नहीं खाने पीने का, डाइट का, एक भी लेक्चर सोने का नहीं, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है। मैं भी मेडिकल स्कूल में गई, अमेरिका में पढ़ी, इंग्लैंड में पढ़ी, एक भी बात मैंने सुनी भी नहीं। और मैंने बोला ना कि एक डॉक्टर ने रिसर्च किया, क्या रिसर्च किया, इतना गहरा रिसर्च किया है कि जिसको बहुत अलर्ट रहना है, जिसको बहुत ये बीमारी की बात बोलते हैं ना कि ये उसको डायबिटीज की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, एंजाइटी की बीमारी है, टेंशन की बीमारी है, डिप्रेशन की बीमारी है, वो सभी का रिसर्च किया। कंट्रोल, जिसको सोने दो जितना सोना है, और दूसरा ग्रुप को वही बीमारी, नहीं सोना है, 10-15 दिन नहीं सोना है। पीछे उसका रिजल्ट देखा, जो डिप्रेशन वाले थे ना, उसका डिप्रेशन खत्म, जिसका ब्लड प्रेशर था उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया, डायबिटीज भी कंट्रोल में आने लगा। तो जो बाबा बाप दादा हमको बोलते हैं, तो बाप दादा की कहीं बोलेंगे ना हमको मुरली में कि जो आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कि आपको ये बीमारी हो तो आपको जास्ती सोना है। बाबा की उम्र कितनी थी? 94-93। बाबा ने कैसे बोला कि ये प्रॉब्लम है? दादी का भी कितने प्रॉब्लम थे, दादी सो सकती थी इतना। तो ये बात हम अफवाह बोलते हैं ना, गॉसिप, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, मगर हम जितने जास्ती सोएंगे ना, इतना शरीर को हानि है। सभी लोग बोलते हैं कि आप 83 हो, मगर क्यों इतनी एक्टिव हो? तो मैं बोलती हूँ मैं 2-3 घंटा ही सोती हूँ, इसलिए मैं इतनी एक्टिव हूँ, मैं बिजी रहती हूँ, मुझे थकावट भी नहीं। और जितना जास्ती सोएंगे उतना थकावट, क्यों? सोने में 3 साइकिल होती है, जब हम सोने लगते तो नींद में आ जाता है, बहुत गहरी नींद नहीं, बट नींद आती है, अच्छी लगती है, सो गए, 45 मिनट तक वेरी हीलिंग स्लीप, हीलिंग, ब्लड प्रेशर कम, श्वास कम, टेम्परेचर कम, स्वेटिंग कम, सब कुछ समतोल हो जाता है, आत्मा शरीर दोनों रिफ्रेश। पीछे क्या होता है?
साइकिल में दिखता है। दादी जानकी पर एक्सपेरिमेंट किया था, दादी जानकी बहुत कम सोती थी। पीछे क्या होता है, जास्ती सोए जरूर नहीं है, हो गए फ्रेश, बोलते हैं थोड़ा नेप ले लो, प्लेन में बैठे थोड़ा सो गए, आधा घंटा पौना घंटा रिफ्रेश हो जाते। वो अच्छा है, मगर सोने में खट्टी में सोने से क्या होता है, आप 80 मिनट्स के बाद ब्लड प्रेशर हाई, स्वेटिंग पसीना, ब्रीदिंग हाई, एक्सप्रेशन ऑन द फेस टेंस, टेंस लगता है शरीर में, कोई फोटो लेते हैं जब डीप सोते हैं ना, और जास्ती में जास्ती मरण होता है, डेथ इन स्लीप। सो मेनी पीपल डोंट गेट अप फ्रॉम स्लीप, सो जाते हैं मर जाते हैं ऊपर। तो कोई भी ऐसे कहे कि ये साइंस के अगेंस्ट है, और दूसरी बात, जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उसने पब्लिश भी किया है बुक, तो जब भी पब्लिश किया तो क्या हुआ, जो सभी अमेरिकन कम्युनिटी है ने उसको उसको धमकी दिया कि जो हम आपको पकड़ेंगे, जो सभा कहाँ भी आप पकड़ जाओ हम मार डालेंगे, हमारी निंद्रा आपने खत्म कर दी, आपका क्या लगता है हम 12 घंटा सो। उसने बोला मैंने नहीं बोला है कि 12 घंटा नहीं सो, पर मैं ये बोलता हूँ कि जास्ती सोने से कितना नुकसान होता है, फायदा तो कुछ नहीं होता है। कोई लोग है वो जरा भी नहीं सोते हैं, जरा भी नहीं, एक एक मैं तो एक दो घंटा तीन घंटा तो सोती, वो तो जरा भी नहीं सोते हैं और अच्छी तरह से होते हैं। दादी जानकी के साथ में रही हूँ, बहुत कम नींद सभी दादियों की। तो हमको ब्राह्मण को यह सोचना है कि जो हम निंद्रा जीत नहीं बनेंगे तो इम्पॉसिबल, ये बीमारी है, कलयुग की बीमारी है, कलयुग की आदत है, क्योंकि ओ मुझे मेरा शरीर को बहुत देह अभिमान की बीमारी है, मुझे इतनी घंटा स्लीप जो, तो हम कैसे कर्म इंद्रियों को जीतेंगे, हम जीत सकेंगे कर्म इंद्रियों को, नींद किसके हाथ में है, ब्राह्मण के हाथ में। फरिश्ता सोता है, फरिश्ता बोलेंगे कि आपको जरूर है, मैं 2 घंटे के बाद आपको मदद करूंगी। तो हमको क्या बनना है, सोचो सीरियसली, हमको क्या बनना है, फरिश्ता बनना है ना, जो मैं फरिश्ता बनूंगी तो सेवा करूंगी, मगर जो कुछ इमरजेंसी आएंगे, मुझे तो बहुत नींद आती है तो मेरा चांस गया सेवा करने का। हमको फरिश्ता बनना है। कभी सुना है कि फरिश्ता सोते हैं? हम हिंदी में सतयुग को सतयुग कहते हैं, मगर इंग्लिश में ब्रह्मा बाबा बाप दादा ने बोला है सतयुग माना सूक्ष्म वतन। जब हम सतयुग में होंगे, हम होंगे पृथ्वी पर, मगर ये हमारी स्थिति कैसी होंगी, एंजेलिक, एंजेलिक कॉन्शियसनेस, फरिश्ता कॉन्शियसनेस। तो सतयुग में जाना है, किसको जाना है सतयुग में, तो यहाँ क्यों बैठे ना, हमको सभी को जानना है, इसलिए तो मैं क्लास देती हूँ कि आप समझाओ कि बहाना नहीं, डॉक्टर क्या कान बंद कर तो डॉक्टर को लेक्चर देने आना, डॉक्टर को लेक्चर देना, क्योंकि आपने मेडिकल स्कूल में कहाँ पढ़ाया, किसने पढ़ाया आपने स्लीप के बारे में, हमको जानना है, हम रेफरेंस करेंगे गूगल पर, कोई जवाब नहीं देंगे, मगर डॉक्टर को तो पेशेंट आवे तो कुछ तो दवा देनी है ना, और पेशेंट परमानेंट चाहिए तो बहुत अच्छा से 10-15 हजार साल में मिलेगा ये इसके इंश्योरेंस, स्लीपिंग पिल, स्लीपिंग पिल, सोना है सोना है, उसके सोने दो, मैं उसके उसका अगेंस्ट नहीं हूँ,
डॉक्टर को लगे तो सोने दो, मगर आप डॉक्टर का मानेंगे और शिव बाबा का मानेंगे? तो शिव बाबा का हम नहीं मानेंगे तो श्रीमत का उल्लंघन किया। और शिव बाबा कितनी बार साकार मुरली में बोला है, और नींद क्यों आती है? बोझ, थक जाते हैं। यो बोझ किसका है कि आज मैंने बहुत कर्म योगा किया, आज मैंने बहुत मेहनत की, सुबह से रात से नींद आ गई, थक गई। हम ऐसे सोचते हैं ना, मगर थक कितना साल की है, एक दिन की नहीं है। जो थकावट है वो 1250 साल की थकावट है। ये जब भी बर्थ लिए ना, 40 बर्थ्स आयन एज की, इसमें तो उसमें आयु भी घट गई, इतने जीते भी नहीं है, और बीमारी भी बढ़ गई। तो ये सभी बात हमको अभी मालूम है क्योंकि अब रिसर्च किया है, मगर डॉक्टर को मेडिकल स्कूल में कोई ये सिखाता नहीं है। एक भी मैंने बोला नहीं कि किसी ने किसी को सिखा, सभी डॉक्टर्स मन मन। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मुझे हार्ट के बारे में जानना है, मुझे नींद के बारे में किसने सिखाया? मेरे पास तो नींद्रजीत की डिग्री नहीं है और निंद्रा की डिग्री नहीं है, मगर डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है, तो वो बोलेगा तो उसको तो सुनना पड़ेगा ना। मुझे तो कार्डियोलॉजिस्ट से बोला है ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हार्ट फेल हो जाए, मेरे हार्ट फेल होगा सोने में हो जाएंगे, जिंदा होगा तो किसी को कुछ। तो हमको तो शरीर छोड़ना है, सोने से नहीं छोड़ना है, कभी नहीं। बाबा को बोलना है मुझे बिल्कुल नहीं, मैं शरीर छोड़ूंगी तो जिंदा, तो मैं किसी को मदद कर सकूं। तो इसलिए मैंने देखा है कि बहुत ब्राह्मण समझते हैं कि नींद तो अच्छी है, इसमें क्या गैर फायदा है? कुछ गैर फायदा नहीं है ना, गैर फायदा तो है ही नहीं, मगर गैर फायदा दिखाता है। रुवन किया है, आर्थराइटिस, डायबिटीज, बहुत बहुत बीमारियां है, वो जास्ती सोने से होता है। क्यों होता है? हम ब्राह्मण है, मैं आपको समझाऊं। देखो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम आया, बड़ा बैड न्यूज आया, मैं ब्राह्मण हूं तो थोड़ी मिनट के लिए मैं नाराज हो जाऊंगी, वो परेशान हो जाऊंगी, पीछे मैं क्या करूंगी? तुरंत बाबा, बाबा से, बाबा तो को मालूम है तो बाबा मदद करेगा और बाबा ठीक कर देगा। मैं बाबा से बात करूंगी, बाबा ये बात हुई, मैं घबरा गई हूँ, मदद चाहिए, कुछ भी बात, मगर बातचीत होती है ना, कुछ कंट्रोल की एक्टिविटी चलेंगी ना, कि ये करूँ ये करूँ। कुछ प्रॉब्लम आता तो हम सोल्व करते हैं ना प्रॉब्लम को, उसको सोल्व करना है, मगर हम सोते हैं तो क्या होता है? अमर मन कहाँ है? हम सोते हैं तो मन कहाँ रहता है? हमारे कब्जे में है, आत्मा के कब्जे में है मन। जब हम सोते हैं तो मन आत्मा के कब्जे में है नहीं, बुद्धि आत्मा के कब्जे में है। आप निर्णय करेंगे कि ये बड़ा प्रॉब्लम है मुझे साइंस का, मैं नींद में सोल्व करूंगी और रिजल्ट मिलेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। जब मैं सुबह सटल कॉन्शियसनेस में बिटवीन स्लीप एंड अवेक, ऐसे हमको मिलेगा जवाब, इंटेलेक्ट बोलेगा ये करना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन था ना, बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, वो कभी लेबोरेटरी में नहीं गया, उसने एक भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया। वो घूमने जाता था, आकाश पर देखता था, शिव बाबा से कम्युनिकेशन, उसको सभी आकाश में क्या हो रहा है, फिजिक्स का क्या हो रहा है, उसने सूक्ष्म रीति से समझा, सूक्ष्म स्मृति से। कभी भी उसने जो लेबोरेटरी में सब लोग एक्सपेरिमेंट करते ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने नहीं किया। और उसने एक बात बोला कि मरने से पहला, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, कि मरने से पहले मेरी एक इच्छा है कि जो ने मुझे सब विजडम दिया है, विद्या दिया है, उसको भगवान को मुझे बस
कोई मिलावे एक बारी एक सेकंड के लिए तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। बस मेरी यही लास्ट अंतिम इच्छा है कि मैं भगवान से मिलूं, मुझे कोई भगवान को से मिलाए, उसकी इच्छा थी। तो हमको ब्राह्मण तो हम साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट के भी साइंटिस्ट है, हमारे पास पावर ऑफ साइलेंस है, तो पावर ऑफ साइलेंस हमको कैसे यूज करना है? ये सभी बातें से हमको पावर ऑफ साइलेंस, जिसको बहुत निंद्रा की प्रॉब्लम है उसको अवेकन करना है, उसको निंद्रा जीत बनाए। ओके, किसी को बहुत स्लीप है तो मैं निंदा नहीं करती हूँ कि ओ ये तो 9 घंटा सोता है, ये तो सोता ही रहता है। बाबा बोले शुभ भावना, बहुत निंद्रा आती तो मैं बाबा को बोलती हूँ बाबा उसको ये आदत है, आयन एज में पक्की हो गई कि सोएंगे तो प्रॉब्लम रख दिया साइड में, तो जागेंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं चला जाएगा ना, हो सकता है थोड़ा बढ़ेगा। तो ये समझना है कि कोई को भी बहुत निंद्रा होती है तो हम मदद कर सकते हैं। जो मैं 2 घंटा सोती हूँ, 3 घंटा सोती हूँ, उठी जाती हूँ, जरूरी नहीं पड़ती है, तो मैं क्या करूँ जाग के? कुछ करूँ? तो जिसको बहुत नींद है उसको मदद मिले तो वो भी मेरे जैसे निंद्रा जीत हो जाए। हमको एक दूसरे को मदद करनी है। माँ बाप क्या करते हैं छोटे बच्चे को? सोने दो, बेचारा सो रहा है, उसको बच्चा है ना, उसको 12 घंटा की नींद चाहिए, 9 घंटा की नींद चाहिए। जब ये बड़ा होगा ना तो 12 घंटा की नींद करेगा, क्योंकि हैबिट डाल दी ना सोने की। तो हमको सोने की हैबिट किसने डाली है? क्योंकि जन्म से माँ बाप क्या समझते हैं, हमारे पास वो बच्चे आते हैं रात को सोते ही नहीं, तो माँ बाप परेशान होते कि ये सोता ही नहीं। तो मैंने बोला करता क्या? तो कि कुछ नहीं करता है, सोता ही नहीं। मेरे रोता है, परेशान करता है, तो कि रोता नहीं है, परेशान नहीं करता है, मगर सोता ही नहीं। तो डॉक्टर के पास ले गए स्लीपिंग ड्रॉप्स। माँ बाप भी क्या करते हैं बच्चे को, हमको फोन, ओ आज रजा है, आज सैटरडे संडे, अभी वेकेशन में सोने दो। लड़का 33 साल का है, 40 साल का है, तो भी माँ बाप क्या करते हैं? आप सभी माँ बाप हो ना, जो हो तो क्या बोलते हो? ओ उसको सोने दो। मैंने बोला आप क्लास में क्यों नहीं आए? तो बोलता है कि मेरा बच्चा को उठाना नहीं था। तो आपका बच्चा कितना साल? 40 साल। मैंने बोला क्लास तो 8 बजे है। तो बोलता है वो तो उसको तो सैटरडे संडे को तो नींद करनी चाहिए ना। तो हमारी मेंटालिटी ऐसे, हम जैसे सोचेंगे ऐसा होंगे होगा। हम ही ऐसे सोचे थे, सोचते कि नींद बहुत अच्छी है और शरीर के लिए सो अच्छी है, हम ऐसे सोचते हैं। तो हमारी सोच से हमारे बच्चे, हमारा परिवार भी सोने का ही सोचेंगे और हम भी उसको सुलाएंगे, क्योंकि हमने तो हैबिट डाली ना। ये एक एक जन्म की हैबिट नहीं है, हमने ये आदत कितने सालों से डाली है और एक जन्म में हमको निंद्रा जीत बनना है। आप सभी समझते हो पॉसिबल है? सत्युग में जाना है ना, मैंने बोला सत्युग में नो निंद्रा। तो आप जो जागेंगे वो जीतेंगे। तो अंत का खेल सोचो, अंत में बहुत बहुत विकराल परिस्थिति होंगी, 5 तत्वों की विकराल परिस्थिति और सभी आत्माओं की भी, मनुष्य की भी एकदम अंत की विकराल स्थिति होंगी। तो हम ब्राह्मण क्यों बने, हमारा रोल क्या होगा? नौकरी तो सब करते,
मैं डॉक्टर हूँ, ये भी प्रोफेसर है यहाँ, तो ये भी सभी साइंटिस्ट है, सभी टेक्नोलॉजिकल आईटी के, ये सभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है ना, मगर ये कम आएंगी? जरा भी नहीं, कुछ कम में नहीं आएंगी। जो जिसने सीखा है नींद को जीतना, वो क्या बनेंगे? एंजल्स, फरिश्ता बनेंगे। और फरिश्ता बन के क्या करेंगे? हमारे थॉट से, हमारा संकल्प से हम सभी को मदद कर सके, पर मुझे अलर्ट होना चाहिए, मुझे अवेक होना चाहिए। तो ये बात बहुत बहुत ख्याल में रखना। हम तो ऐसे लापरवाह, गफलत, उसमें क्या बड़ी बात है? क्या सब सोते हैं? तो मैं भी सो, सब तो सोते हैं, क्योंकि सबको एंजल नहीं बनना है। मैं क्यों सो? मुझे तरीका निकालना है। क्या तरीका है? बहुत तरीके हैं। बाबा ने बोला है ट्राई करो, नींद धीरे धीरे कम करो, 10 मिनट हफ्ते में, और एक मास में, एक साल में 10-10 मिनट करेंगे कम हर मास, तो कितनी कम हो जाएंगे? 120 मिनट होएंगी ना, तो 2 घंटा नींद कम हो जाएंगे। धीरे धीरे करो। और मैं, मुझे क्या कि जो मुझे नींद ना आई तो सुबह जाते हैं, ओ हंसा, आई डिडंट स्लीप ऑल नाइट टुडे, कैन यू डू माई ड्यूटी? आई सेड नो, आई एम गोइंग होम टू स्लीप बिकॉज आई डिडंट स्लीप ऑल नाइट ऑल्सो। तभी बहाना करते हैं ना कि मैं सोई ही नहीं हूँ, क्लास में नहीं आ सकी बिकॉज मैं थीसिस में बहुत बिजी थी, मेरा पेपर में बहुत बिजी थी, ये बहुत सारी रात किया तो मैं क्लास में नहीं आ सकी। नहीं सोना है, पर 2-3 घंटा सो तो उठ जाओ तो आपको बहुत स्फूर्ति मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलती कि सोना नहीं है, मैं ये से बोलते हैं कि बहाना नहीं काटना है कि मैं सोई नहीं हूँ, जर्नी बहुत लॉन्ग थी, जेट लेग था, तो इसलिए मेरे से नहीं हो सका। तो माया का काम क्या है? माया का काम क्या है? माया कैसे ऑपरेट करती है? माया का भी ऑपरेशन है ना, उसकी बड़ी इंडस्ट्री है। उसकी इंडस्ट्री कितने साल से चलती है? 2500 साल की इंडस्ट्री, खत्म किसी ने नहीं की है उसकी इंडस्ट्री, शिव बाबा ही खत्म करेंगे। तो माया की इंडस्ट्री क्या है? 100% माया क्या करती है? माया 100% कहाँ रहती है? माया 100% कहाँ रहती है? माता जी ने कहा मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे संस्कार स्वभाव में है कौन? कोई नहीं है, माया और रावण, उसका राज है। माया का राज, रावण का राज, 2500 साल। तो जिसका राज है, जो मेरे ऊपर 2500 साल से राज कर रहे, उस तो माया का काम क्या है? कारण, कारण मीन्स रीजंस, कारण मीन्स एक्सक्यूजेस, कारण मीन्स बहाना। एक्सपर्ट दीदी को बहुत अनुभव है, किसी के साथ मैं बात करती हूँ ना तो बहाना से शुरू होती है बात, कारण से बात शुरू होती है, और अथॉरिटी से कि मैं अथॉरिटी हूँ, मेरा ये है। माया की अथॉरिटी तो सबसे पावरफुल है, तो माया की अथॉरिटी मेरे सामने आती है बहानाबाजी में। कोई भी कुछ मैंने नहीं किया तो उसका कारण क्या? माया का कारण। बाबा क्या बोलते हैं? कारण देना मीन्स कारोबार में बंद होना, कारण देना, बहाना देना, रीजंस देना माना, कारण माना,
कारोबार में बंद होना, कारोबार को कहे माया कहे, तो माया की एक्टिविटी बहुत सूक्ष्म मगर अति अति तेज है। बाबा का ज्ञान है ने उससे भी तेज है। तो माया क्या करती है, बहुत बहुत रीजन देते हैं। और दुनिया वाले तो अभी तो बिजनेस है, डॉक्टर बिजनेस, बस आप डॉक्टर के पास जाओ, इंश्योरेंस नहीं है तो जाओ आपके पास देखेंगे कौन सा इंश्योरेंस है, क्या कवर, पीछे आपको दवा देंगे, क्योंकि उसके दिमाग में ये है कि ये मेरा परमानेंट पेशेंट होना चाहिए, कि साल में मुझे एटलीस्ट 5,000 10,000 2,000 तो उसके निकालना है। मैं 100% बोलती हूँ। अब जाओ, बहुत करोड़ोपति जाए हॉस्पिटल में, बोले कि मेरा कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, तो उसको भी निकाल देंगे। बिजनेस है तो मैं तो स्कूल में पढ़ाती थी, एक भी लेक्चर नहीं दिया है मैंने डाइट और न्यूट्रिशन का और स्लीप का। यस, एक्सपेरिमेंट में मैं दाखिल हुई थी, मगर मेडिकल बुक में आप रिसर्च करो, ये बोलते हैं कि पहले 90 मिनट्स जो सोते हैं ना दी बेस्ट, पीछे नुकसान। ओके, तो पीछे क्या फायदा, फायदा क्या, जो नुकसान होने वाला है। यस, बीमारियां तो बहुत है हमारे पास, हजारों बीमारियां, पर बीमारी का निवारण स्लीपिंग नहीं है, स्लीपिंग पिल्स नहीं है, और स्लीपिंग पिल से बहुत बहुत नुकसान। आप रिसर्च करना गूगल्स में, स्लीपिंग पिल की इंडस्ट्री कितनी पावरफुल है और कितने लोग लेते हैं, कब लेते हैं, ये सोचना। नंबर वन इलनेस डिप्रेशन, डिप्रेशन में आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो स्लीपिंग की दवा होंगी। और जिन्हें रिसर्च किया है वो बोलता है कि जास्ती सोने से, हम बोलते हैं कि वो बेचारी डिप्रेस्ड है, बेचारा डिप्रेस्ड है तो उसको नींद जास्ती चाहिए, ये बात गलत है। जो जास्ती सोते हैं, वेदर दवा से जास्ती सोता है कि दवा बिना, उसको डिप्रेशन होना ही है, और डिप्रेशन क्योर नहीं होगा, इम्पॉसिबल। तो डिप्रेशन तो नंबर वन इलनेस है अभी, हम सभी थोड़े थोड़े तो डिप्रेस है ही, मगर कोई जास्ती है कोई कम है, तो सभी को सुला दो 8 घंटा, देखो डिप्रेशन बढ़ेगा और घटेगा। और मैक्सिमम पीपल तो सोते हैं 6-7 घंटा। आपको चार्ट रखने, हम डेली चार्ट रखवाते हैं, टेक्सास को मालूम है, तो चार्ट रखते हैं, तो हम पहले चार्ट में मैं क्या लिखती हूँ, कितना घंटा मैं सोई, कितना घंटा बाबा को याद, फिनिश, दूसरा कोई चार्ट नहीं, यही चार्ट सोने का और अवेकनिंग, अवेकनिंग मीन्स बाबा के साथ का। तो टाइम तो हो गए अभी 5-10, इसे मैं प्रेजेंट नहीं करूँगी क्योंकि इट विल टेक लॉन्ग टाइम लगेगा, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन लंबा है, मगर उसको कुंभकर्ण दिखाना प्रेजेंटेशन। और दूसरी बात के जो पक्षी होते हैं ना, जो शाकाहारी होते हैं ना, वो कितने घंटे सोते पक्षियों में, कितने घंटे बर्ड्स, पक्षी बर्ड्स कितने घंटे सोते हैं, हाँ ही इज राइट, व्हाई दे रेस्ट एंड डोंट स्लीप, दे डोंट स्लीप 45 मिनट्स, दे रेस्ट, बट व्हाई द बर्ड्स डोंट स्लीप, he says birds sleep, I have seen birds, we have lots of bird nests, I have nothing to do, you know, I'm up before all of them, so I go and have a binoculars, so I go to the garden and we have one boy, this Thiryaben's son, he is very expert in birds, so we two are friends as far as birds are concerned, so he does the research and then I check it. Birds sote hain to ek aankh khulli aur ek aankh band
और एकदम अलर्ट, क्यों? डर है, शिकारी शिकार होगा ना तो बर्ड्स 2 घंटे से जास्ती कभी रेस्ट नहीं करेंगे। हरन 2 घंटे, जो शाकाहारी एनिमल है ना वो क्यों, गाय भैंस सब बकरे सभी कितना घंटा सोते हैं? बहुत कम, मैक्सिमम 2-3 घंटा। 2 रीजन है, एक तो वो भी शिकार हो सकते हैं क्योंकि शाकाहारी का ही शिकार होता है, और दूसरा उसको जरूरत ही नहीं है सोने की, जरूरत ही नहीं है। तो हम तो सभी शाकाहारी है ना, हमको कौन शिकार करने वाले? माया और रावण, माया और रावण शिकार करने वाले। तो वो शिकार कब करती है? रावण और माया शिव भाई शिकार कब करती है? हाँ, वो तो माया के शिकार के बाद वीक होते हो, मगर शिकार कैसे कब करती है? यस, व्हेन यू आर नॉट अवेक, अवेक मीन्स अवेयर, देन माया का शिकार। सोने से तो माया को हाथ में ही है, माया ने बोला ये बंदा मेरे हाथ में है, 8 घंटा 9 घंटा उठेगा तो वो आज दिन बराबर नहीं किया। ओ बहुत अच्छा, माँ के बाप के सुलाओ उसको, जस्ती सुलाओ। भयानक सपने में भी डेथ होता है, सपना कहाँ से आता है? सारी जो आयन एज की साइकिल, आयन एज की उसकी साइकिल है, तो आयन एज में जो भी भयानक अनुभव हुआ ना वो वापिस आते और ड्रीम्स आते हैं, सपना आते। तो सपना में भी कितनी परेशान, तो 90 मिनट्स के बाद सपने की स्लीप, याद नहीं रहते हैं सपने, मगर बहुत बहुत सपने, बहुत बहुत परेशानी। इसलिए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, रिंकल्स बढ़ जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ जाते। देखो जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन सो जाता है, ब्रेन को आराम मिलता है, ब्रेन सो जाते हैं प्रोफेसर? ब्रेन नहीं सोता है, ब्रेन सो जाएंगे तो ईजी में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन मुर्दा, ले जाओ अभी उसको। ओके, तो ब्रेन नहीं सोता है, फेफड़े सोते हैं? नहीं, पचाने की शक्ति, पाचन शक्ति बंद हो जाती है। कोई भी ऑर्गन्स शरीर में सोता नहीं है। होता क्या है, आत्मा बहुत बॉडी कॉन्शियस होते हैं ना, बहुत देह अभिमान, देह का बन, नींद, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये खाना, हम फूड भोगी, डाइट भोगी, फूड भोगी, स्लीप भोगी, कितने भोगी है हम, भोगी भोगी भोगी, खाने के भोगी, सोने के भोगी, सभी आदत क्या है, भोगी भोगी। तो भोगी इंद्रिय जीत बनेगा तो राजा कौन है? अभी तो रावण, मैंने बोला 100% आपका राजा रावण एंड माया है, तो मुझे क्या बनना है? कर्म इंद्रियों को जीतना है, स्व अधिकारी बनना है। दादी को डॉक्टर ने बोला ने कि आपको इतना घंटा नींद चाहिए, मैं स्लीपिंग पूल दूंगी, स्लीपिंग पूल मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत काम है। बोला दादी को बोला आपको ये नहीं खाना है, तो दादी ने बोला मैं 86 साल की हो गई, अभी तुम मुझे बोलेगा मुझे क्या खाना नहीं खाना, तुम तो बड़ा डॉक्टर, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं जो खाना है वो खाऊंगी, मेरी कर्म इंद्रिया मेरे हाथ में है। मगर हमको क्या पसंद है, तू माया, माया मीन्स अच्छा, मैं मुझे कुछ करना नहीं है, तो
तो मैं जब भी डाइट का लेक्चर दूंगी तब बोलूंगी कि जब सभी जो शाकाहारी प्राणी है ना वो बहुत कम सोते हैं, 2 घंटे, और जो मांसाहारी एनिमल है वो कितना घंटा सोते हैं। मांसाहारी जानवर कितना घंटा सोते हैं? दैट्स गुड, दे स्लीप 18 आवर्स। लायन कब दे द स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द कैट स्लीप्स ड्यूरिंग द डे, डॉग्स दे ऑल हैव 18 आवर्स ऑफ स्लीप मिनिमम, बिकॉज वो एग्रेसिव है, उस वायलेंट। तो जो जितना विकार हमारे में है ना, तो विकार को हम नहीं, जितना विकारों है, जितना हम शरीर के भोगी है, सभी ब्राह्मण में भी डाइट भोग हो गया है कि ये खाते हैं, ये ग्लूटेन नहीं चाहिए, ग्लूटेन बहुत रिसर्च किया ग्लूटेन का, सारी मेडिकल स्कूल में अभी भी हो रहा है, कोई भी रिसर्च में नहीं बोला है कि ग्लूटेन नहीं खा। अभी तो ऑर्डिनरी 8-12 साल के बच्चे कहते हैं मुझे ग्लूटेन नहीं खाना है, क्यों? बस ग्लूटेन से मुझे ये होता है, ये होता है, ये सब होता है, शरीर दुखता है, ये होता है, पेट में होता है, ये होता है। मैं ये झूठ नहीं बोलते हो, मगर ग्लूटेन से हुआ को दूसरी और परिस्थिति से हुआ, ये हम नहीं सोचते। हमको तो मिल गया, देखो उसको पकड़ा, दोषी बना दिया ग्लूटेन को, ये मैं खाता हूं तो उसको दोषी बना दिया, इसको दोषी बना दिया, बस माया ने पकड़ लिया कि इसको दोषी बना दो, छोड़ दो उसको। मगर ओरिजिनल इलनेस, ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या है कि मुझे माइग्रेन होता है, मुझे एसिडिटी होती है, मुझे ये होता है, मुझे तो सच होना है ना, ट्रूथ, मुझे मालूम है मुझे क्यों एसिडिटी होती है, मुझे मालूम है मुझे क्यों कब माइग्रेन होता है। मैं कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मैंने ये खाया, मैं ये खाती हूँ कि आज मैंने ये खाया उसलिए मुझे एसिडिटी हो गई। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मुझे नींद नहीं आई, मुझे ये बात हुई तो मुझे माइग्रेन हो गया, नहीं, रीजन है, रीजन है। मगर हम इसी रीजन निकालेंगे कि जिसका निवारण ही नहीं है, दोष देते हैं खाने को, दोष देते हैं कितना घंटा मैं सोती हूँ। जब भी एग्जामिनेशन आती है, बड़ी बड़ी एग्जाम, तो हम क्या करते हैं एग्जाम के पहले, सोते हो 8-9 घंटा सोते हो? आपको को काम करना है तो आप क्या करते हो? आपको कुछ करना है तो निंद्राजीत बनते हो ना, 1 हफ्ता के लिए भी निंद्राजीत तो बनते हैं ना। निंद्राजीत बना तो काम पूरा हुआ, निंद्राजीत नहीं बनते तो हमारी काम पूरा नहीं होता। तो निंद्राजीत बने तो कब काम हुआ, और पीछे काम नहीं होता तो किसको दोष देते हैं? नींद पूरी नहीं हुई, थकावट हुई, खाने में गड़बड़ हुई, तो कर्म इंद्रियों का काबू किसके ऊपर है? मेरे मन बुद्धि संस्कार को कर्म इंद्रियों ने पकड़ लिया है, पकड़, ऐसे पकड़, छूटने ही नहीं दूंगी। और हमको अच्छा है, ठीक है, पकड़ो। तो हम कभी आत्म अधिकारी होंगे? स्वराज, स्वराज कैसे लेंगे? स्वराज किसके ऊपर लेना है? शरीर पर ना, कर्म इंद्रियों शरीर की है ना, तो हमको स्वराज लेना है। अभी हम स्वराज में है, बहुत हम ब्राह्मण से ना, और सब बच्चे भी पिकी, मैं ये नहीं खा सकती हूँ, मैं इतना बच्चे ही खाती हूँ, मैं इतना बच्चे खाती हूँ, मैं ये करता है, हो गया। स्वराज के बिना कौन सी क्रिया चलती, कौन सी एक्टिविटी चल रही है? परवश, माया और रावण के परवश की एक्टिविटी बहुत बढ़ गई। मैं पवित्रता की पालना करती हूँ,
मैं सात्विक भोजन खाती हूँ, मैं मुरली पढ़ती हूँ, मैं अमृत वेला करती हूँ, मैं पक्का ब्राह्मीण हूँ, तो भी मैं थर्ड क्लास ब्राह्मीन, पाई पैसे का। क्यों पाई पैसे का ब्राह्मीन? क्यों? कर्म इंद्रियों से सोचते भी नहीं है कि मैं ये कहती हूँ कि मुझे ग्लूटेन नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इतने बजे मैं खाऊंगी, ये नहीं खाऊंगी, ये खाऊंगी जूस। दीदी के घर में सेंटर में आके रहना मेरे साथ, देखना दीदी क्या खाती है, क्या पीती है, क्या करती है। अभी मैं 83 ईयर्स चेंज करूंगी कि ग्लूटेन मेरे पास नहीं, मुझे ये चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। कोई ऐसा नहीं कि मुझे ये नहीं खा, ये जूस पीना है, ये करना है, ये करना है, कुछ नहीं। क्यों? मुझे कर्म इंद्रिय जीतनी है, मुझे भोगी, शरीर का भोगी नहीं बनना है। सारे दुनिया वाले दुनिया के भोगी है, बहुत बढ़ गया है। ब्राह्मणी को भोगीपन छोड़ना है, तो ये आपको सोचना है। तो आपका चार्ट लिखो ना, तो क्या लिखेंगे? एक 15 सेकंड में चार्ट खत्म हो जाएंगे, इतना घंटा नींद की। पिछले 1 मास के पास चार्ट देखो, कितना कम किया। 1 मंथ में 10 मिनट नींद कम करो, 1 साल में 120 मिनट कम, 2 साल में 4 घंटे। सोचा? ठीक है। और मैंने बोला जो साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उसका कोई सुनता ही नहीं है, और किसी ने ये चर्चा भी नहीं करी है स्लीप की। मेडिकल स्कूल में ही नहीं चर्चा हुई है, मेडिकल लिटरेचर में भी, बट डॉक्टर्स को तो बिजनेस के लिए एक्सपर्ट हो गए हैं नींद के बारे में, और आपको बोलेंगे। और आपको जो भी परेशानी तो दुनिया में आती है, कभी नहीं सोते प्रॉब्लम हुआ तो, पर नींद का कोई कनेक्शन नहीं है। टेंशन, बॉडी कॉन्शियसनेस, देह देह का संबंध नहीं छोड़ना है, ये नहीं छोड़ना है, ये नहीं छोड़ना है, जो बाबा बोलते हैं छोड़ो, ये हम नहीं छोड़ते, इसलिए नींद आती है। ओम शांति।